Hey guys, welcome to our today's blog. और आज है वेडनेसडे और हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है क्योंकि कल सुबह सुबह हमारी फ्लाइट है बैंगलोर से नागपुर और मैं आपको पैकिंग दिखाता हूँ। हाँ यार, मैंने कटिंग भी कर ली है तो यार इस बार मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी कटिंग, क्योंकि देखो पीछे से कैसे कबूतर सामान मेरे बाल खड़े हो गए हैं। एक नया बंदा था तो उसने उसको बिल्कुल भी आता नहीं था कटिंग करने, तो बहुत ही बेकार हुई है। ठीक है, तो मैं आपको पैकिंग दिखाता हूँ, हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये है मेरा लैपटॉप बैग जिसमें थोड़े से नायरा के भी चीज़ें आ गई है, एक्सेसरीज वगैरह आ गई है। ये बैग है, इसमें नेहा और मेरा सामान है जो कि ऑलमोस्ट फुल हो गया है और पूरा बहुत ब्रॉड हो गया है। तो और ये है मेरा कैमरा बैग, नायरा जिसमें मैं डायपर डालने जिसमें मेरे कैमरा बैग में अभी ये डायपर डालने वाली है क्योंकि डायपर रखने तक की जगह नहीं है हमारे पास। और ये है नायरा का बैग जो कि ऑलमोस्ट फुल हो गया है। और हम हमेशा सोचते हैं कि यार हम कम सामान लेके जाए ताकि रिटर्न में अगर मेरी मम्मी या कोई भी दूसरे लोग कोई नायरा के लिए गिफ्ट लेते हैं तो वो गिफ्ट एटलीस्ट हमें वापस लेके आना चाहिए, तो उसके लिए जगह बचनी चाहिए। तो यार वो हमेशा हमारे पास रहती नहीं और फिर कोई एक्स्ट्रा पॉलीथीन सामान हमें पकड़ना पड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज चुके हैं सुबह के 6 बजे और हमारी फ्लाइट है 10 बजे की और नेहा बना रही है कुछ ब्रेकफास्ट जल्दी से और नायरा भी उठ चुकी है, तो नायरा को उठाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी बट वो फाइनली उठ गई है और उसके सामने हमने कार्टून लगा दिया है ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव फील करे, फ्रेश फील करे और हम चाहते हैं कि फ्लाइट पे वो ज्यादा परेशान ना करे। Hey guys, good morning. So, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और नायरा भी रेडी हो गई है, उसका खाना भी हो गया है। उसके लिए मैंने थोड़ा उसका ब्रेकफास्ट बनाकर भी रख लिया है, अगर उसको फ्लाइट पे भूख लगी तो मैं उसे खिला दूंगी। सो अभी थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके हैं तो ये अभी कैब बुक कर रहे हैं और फिर मिलते हैं आपको फटाफट से एयरपोर्ट पे। तो फाइनली हम सिक्योरिटी चेकिंग कर चुके हैं और हम गेट की तरफ जाने ही वाले थे कि मुझे मेरा एक पुराना एक्स कलीग मिला और उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। गाइस, हम लोग नागपुर में लैंड हो चुके हैं और मेरे देवर बाहर हमारा वेट कर रहे हैं वो। सो बस अब हम घर चलते हैं और मिलते हैं मम्मी पापा से। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नागपुर और ये मेरे पिताजी है। रिएक्शन देखना, ऑलमोस्ट 8-9 महीने बाद नायरा मिल रही है दादाजी से। ये मेरी मम्मी दादी। अमो मजे बमो अमो हाँ 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 बेबी का बाल हाँ दे दो अम्मू को, दे दो अम्मू को दो। मम्मी नायरा और अम्मू की पूजा कर रही है और साथ ही उनको पहनाने वाली है गाठी। ये बेसिकली शक्कर से बना होता है बट महाराष्ट्र में होली के टाइम पर ऐसा किया जाता है, बच्चों के साथ उनकी पूजा की जाती है पहले फिर उन्हें गाठी पहनाया जाता है। आप देख सकते हैं दोनों बच्चे कितने खुश है और साथ ही दोनों को मिलने वाले हैं आई की तरफ से बहुत सारी पप्पियां और गिफ्ट्स। तो गुड
मॉर्निंग गाइज, आज है 18 मार्च और आज है होली का दिन, तो विश यू ऑल द गाइज हैप्पी होली। होप आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आज बहुत इन्जॉय करें। यार मैं सुबह सुबह उठा ही था और मैंने फ़ोन उठाया ब्लॉगिंग करने के लिए, चश्मा पहना और देखा कि मेरे फेस पे पूरे रंग लगा हुआ है। तो यार मेरे भाई ने मेरे नींद में ही मुझे होली लगा दिया और मैं उठा भी नहीं था अच्छे से। और ये देखो ये नायरा और अमायरा, तो ये मेरे भाई की लड़की है अमायरा। होप ये लोग बच गए हैं अभी नींद में, बट पता नहीं यार इनका उठने के बाद क्या हाल होगा। तो नेहा ने मुझे ये बताया है कि नाना जी के यहाँ से फ़ोन आया है और उन लोगों ने हमको वहाँ पे बुलाया है। तो यार वहाँ पे मेरे मामा लोग और मेरे कजिन्स लोग हैं, तो बहुत सारे कजिन्स हैं जो बहुत कलंत्री है और होली के दिन स्पेशली बहुत इन्जॉय करते हैं वहाँ पे। तो चलो यार जाके देखते हैं क्या हाल होगा उधर हमारा। तो गाइज ये है मेरा भाई और इसी के वजह से सुबह सुबह इसने मुझे नींद में ही रंग लगा दिया था। अरे मम्मी को भी सुबह सुबह ही चिपका दिया था कलर ऐसा। और ये है मेरे भाई की वाइफ और ये नहीं, इसको तो पूरा ही मास्क बना दिया था, पूरा कलर से मास्क बना दिया था, बट कैसे कैसे इसने कलर छुड़ाया। अब हम जाएंगे नाना जी के यहाँ और आज का स्पेशल है मटन। तो यार होली के दिन हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि मटन बनाना, तो आपको दिखा दो थोड़ा सा झलक। तो अभी मसाला पीसेस डालने तो बिना पीस के मटन दिखा रही हो क्या? सो गाइज हम लोग कजिन्स के घर आ चुके हैं, ये लोग पहले से ही छुप कर हमारा वेट कर रहे थे। अब आप देखिए आगे आगे मेरे साथ क्या होता है। लगाओ 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 लगाओ, हैप्पी होली। हाँ बुरा ना मानो होली है, चलो। सो अब इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, अब मुझे लेकर जाने वाले हैं ये बाहर और बिठाने वाले टब में जहाँ पर ये लोग मेरे साथ खेलेंगे होली। मुझे सीरियसली आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी होली नहीं खेली थी। मैं बिल्कुल रेडी होकर आई थी और मुझे लगा था ये लोग गुलाल से होली खेलेंगे और मैं गुलाल में अच्छी लगूंगी तो मैं इंस्टाग्राम के लिए फोटोज ले लूंगी, बट मेरे साथ बिल्कुल भी उल्टा हुआ। यहाँ पर बिल्कुल देसी स्टाइल की होली खेली जाती है और कलर्स इतने डार्क यूज किए थे इन लोगों ने कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी। और जब मैं नायरा के पास गई तो मुझे देखकर रोने लगी, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो फाइनली नहीं आ भीग गई है पूरी। अरे मुंह मत खोलो, दांत में जाएंगे, दांत भी दिख रहे। पुराना मानो होली है। तो लगता है इनकी होली खेल के पूरी हो गई है और कलर निकालने की इनकी नाकाम कोशिश चालू हो गई है। सब लोग रिन सुप्रीम से अपना आंग धोने की कोशिश कर रहे हैं। हे गाइस, तो आज है 19 मार्च, होली का नेक्स्ट डे। कल आते ही हम लोग नहाकर सो गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे। सो आज सुबह मैं उठकर फिर से मैंने बाथ लिया, मेरा कलर तो ऑलमोस्ट चले गया है पर मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है। आप लोगों को दिख रहा होगा,
यहाँ पे एक मार्क भी आ गया है। आई होप आप लोगों ने भी अपनी होली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय की होगी एंड होप आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे बने इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।